दोस्तों चलिए पंडाल के अंदर और आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं अमृत महोत्सव जो हमारे अयोध्या में हो रहा है। 1008 कुंडीय यज्ञ। आइए यहाँ पर जैसे ही आप चलेंगे ना तो यहाँ पर प्राइवेसी का ध्यान देते हुए चेकिंग पोर्ट आपको देखना पड़ेगा। और जैसे भाई अंदर आते हैं ये देखो क्या व्यू है भाई। और इस साइड प्रभु श्री राम के चित्रण है वहाँ इस साइड पर किया गया है। ये देखिए प्रभु श्री राम के और उस साइड भी प्रभु श्री राम के बाल्यावस्था से लेकर सारे चित्रण किए। ये प्रवेश गेट आपको देखने को मिलेगा। और भाई जैसे अपने फ़ोन को इधर घुमाता हूँ भाई ये चेक करो भाई गजब का व्यू आ रहा है। अच्छा अमृत महोत्सव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को पहले यहाँ पर 1008 कुंडीय यज्ञ किया जा रहा है। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम आपको दिखाते हैं जगह जगह पर प्रभु श्री राम के चरित्र को स्टैचू के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चेक करो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी माँ जानकी जब वन में निकलते हैं उस समय का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। कुछ अद्भुत तरीके से बनाया गया है। वैसे आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमको भी पता चले कि लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल पेड़ पौधे भी लगा दिए गए हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो सिंधु बांध बनाया जाता है वो यहाँ पर दृश्य बनाया गया है। नल नील आपको देखने को मिलेगा जो प्रभु श्री राम के नाम को पत्थर पर लिख करके समुद्र में फेंकते वो चित्रण यहाँ पर बनाया गया है इस स्टैचू के माध्यम से जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अकाल्पनीय है। इसी तरीके से ब्लॉग के लास्ट तक बने रहें और कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़े से पास से आपको दिखाते हैं ये देखिए ये नल और नील जिस तरीके से इस पत्थर को फेंकते हैं समुद्र में राम नाम का उच्चारण करके वो दृश्य यहाँ पर बनाया गया है बहुत ही अद्भुत। ये देखिए अकाल्पनीय। और ये बड़ा पंडाल बनाया गया है जहाँ पर अभी राम कथा चल रहा है श्री राम भद्राचार्य जी के मुख से। आगे चलिए आगे थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ पर एक चित्रण और किया गया है मतलब एक चरित्र को और दर्शाया गया है ये आप देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग को यदि पता हो कि ये चरित्र कब का है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहा है अकाल्पनीय भाई। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद यहाँ पर एक दृश्य और आपको देखने को मिलेगा। जब माता जी अशोक वाटिका में थी तो श्री हनुमान जी इनको निशान देते हैं एक अंगूठी मुद्रिका कहते हैं कि रामदूत में माँ तू जानकी सत शपथ करुणा निधान की ऐसा कहते हैं माता जी। तो वो चरित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है ये चेक कर सकते हो आप भाई। ये पंडाल इतना बड़ा बनाया गया है कि मैं यदि 2 घंटे में घूमना चाहूँ तो असंभव है 2 घंटे में मैं घूम नहीं सकता हूँ। आगे चलिए एक बहुत ही मनोरम दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए केवट जी का जब केवट जी श्री हनुमान जी और लक्ष्मण जी माता जी को केवट गंगा पार कराते हैं श्रृंग वीरपुर में उसका दृश्य यहाँ पर बनाया गया अद्भुत अकाल्पनीय। इस साइड जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक शिवलिंग है जिसके पास में हनुमान जी स्वयं बैठे हुए हैं उनकी पूछ से शिवलिंग को अपनी पूछ से शिवलिंग को बांधे हुए। ये देखिए ये दृश्य कब का है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अद्भुत अलौकिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा भाई। ये देखिए यहाँ पर चेक करिए यहाँ पर कोई गुरुजी है जो शिक्षा दे रहे हैं बाकी शिष्य बैठे हुए हैं। ये कहाँ का सीन है प्लीज़ कब का चरित्र है कब का प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा बहुत ही अद्भुत लग रहा है। आगे चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं और आगे चल करके आपको राम मंदिर का मॉडल भी दिखाएंगे तो प्लीज़ बने रहिएगा ब्लॉग के लास्ट तक। ये चेक करो भाई इधर यहाँ ये दृश्य कब का है प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइएगा ये कौन है और ये कौन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे राम मंदिर का भव्य मॉडल जो यहाँ पर रखा गया है ये आप चेक करो भाई। चारों तरफ से मैं आपको घुमा देता हूँ बिल्कुल इसी सेम डिज़ाइन में हमारे राम मंदिर का निर्माण चल रहा है जैसा कि आपने मॉडल तो देखा होगा
बस उसी मॉडल को यहाँ पर रख दिया गया है, क्योंकि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ही इस अमृत महोत्सव को यहाँ पर राम भद्राचार्य जी के सानिध्य में किया जा रहा है। ये देखिए, जैसे बिल्कुल हमारे राम मंदिर का निर्माण किया गया है, सिंह द्वार और तमाम प्रकार के मंडप जो बनाए गए हैं, सेम उसी तरीके से भाई ये देखने को मिलता है। आप चेक करो, ये अंदर का सीन ऐसे लगता है, मतलब कैमरे में तो रियल का राम मंदिर आपको देखने को मिल रहा होगा। भाई इसी तरीके से बने रहो आप लोग इस वीडियो में, और बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ये देखिए कथा जो चल रहा है, श्री पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के सानिध्य में, ये देख सकते हैं आप। और भाई जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दीप के द्वारा, मतलब जो दिया होता है उसके द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है अमृत महोत्सव अयोध्या, और श्री राम भद्राचार्य जी का चित्रण भी किया गया। आप चेक कर सकते हैं, ये चेक करिए, पूरा व्यू आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहा है भाई। मैं चारों तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो बिल्कुल, मतलब दिए से बनाया गया, ये चेक करो आप। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको देखने को मिलेगा तमाम प्रकार के बूथ वगैरह बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पुलिस बूथ वगैरह बनाया गया है, यहाँ पर गऊ बूथ बनाया गया, मतलब गाय के लिए, और यहाँ पर देखिए इतना बड़ा पंडाल है कि यहाँ पर गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है भाई, 100 बीघे से भी ज़्यादा में इसको बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना भव्य होगा, और इसको भाई यहाँ पर यात्रा करने के लिए लोगों को ना गाड़ियों का यूज़ करना पड़ रहा है। वहाँ आ गए हैं जहाँ पर 1008 कुंडीय यज्ञ किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, वैसे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको अपडेट दिया था, लेकिन तब हवन प्रारंभ नहीं हुआ था, अब जो है प्रतिदिन हवन होगा 24 तारीख तक, और सुबह जो है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर हवन किया जाता है। पूरा पंडाल आप देख सकते हो बड़े भव्य तरीके से बनाया गया है। थोड़ा पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग भाई 1008 लोग प्रतिदिन यज्ञ यहाँ पर करेंगे, मतलब यहाँ से जो धुआं निकलेगा उससे भाई कितनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, सोचिए अयोध्या धाम में इसके आसपास के क्षेत्र में कितनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, अकल्पनीय। यहाँ पर देखिए अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं, ये चेक करो भाई, ये पूरा हवन क्षेत्र देखने को मिलेगा जहाँ पर हवन चल रहा है। पंडाल के बगल तमाम प्रकार की सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, पूजा इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री आपको लेना हो तो यहाँ कैंप से आप ले सकते हैं, और तमाम प्रकार की दवाएं वगैरह आपको भी देखने को मिलेगा, प्लस किसी प्रकार की यदि पुस्तक आपको चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। मंच देखिए, इस मंच से ही प्रस्तुति की जा रही है राम भद्राचार्य जी के द्वारा, हमारा प्रिय अनुपम और अमृत समान राम कथा। पीछे आपको देखने को मिलेगा हमारे राम मंदिर का भव्य मॉडल है, जहाँ से होस्ट कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रस्तुति कर रहे हैं राम भद्राचार्य जी राम कथा को। और यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में लोग कथा को सुनने के लिए बैठते हैं। ये पूरा व्यू आप देखिए, पंडाल भाई कितने भव्य तरीके से बनाया गया है, ये आप चेक करो। अभी भी कथा समाप्त हुई है कुछ समय पहले, ये देखिए, क्या कहते हैं आप इस राम मंदिर के मॉडल के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सराबोर हो गया है ये सब। अमृत महोत्सव अयोध्या 14 से 22 जनवरी 2024 तक, पीछे अमृत महोत्सव अयोध्या। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया श्री राम भद्राचार्य का अमृत महोत्सव, जो कि हमारे अयोध्या में मनाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले हैं, उससे पहले इतना बड़ा महायज्ञ का आयोजन किया गया है, तथा यहाँ पर रसमयी अमृतमयी कथा महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप ये ब्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको सादर भरा जय श्री राम।